तो हाय गाइस, वेलकम टू न्यू सेशन। आगे बढ़ते हैं हम नंबर सिस्टम में। लास्ट टाइम हम लोगों ने कोप्राइम तक पढ़ा था, आगे हम इसको देखते हैं आगे हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो आगे आता है हमारा टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। तो जनरली एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन हमको मिल जाते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम देंगे तो जिसमें क्वांट होगा उसमें जनरली ऐसे क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाए जिसमें हमको बोल देगा कि कोई वैल्यू गिवन कर देगा, उसको हमको पूछेगा फाइंड द इसका टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर कितने होंगे या टोटल नंबर ऑफ़ डिवाइज़र कितने होंगे। ठीक है, कभी ये पूछ सकता है सम ऑफ़ फैक्टर हो सकता है, सम ऑफ ऑड फैक्टर हो सकता है, सम ऑफ इवन फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो हम इसके कॉन्सेप्ट देखते हैं फिर इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर, तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए छोटी वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए हम 8 लेते हैं। ठीक है, 8, तो 8 हमारा क्या है, 8 का अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 का क्यूब। अगर हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर देखेंगे ना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसको हम ऐसे लिखते हैं 0, 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 2 का क्यूब, है ना। टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर इसके 4 निकलेंगे। अब हम देखते हैं 4 एक्चुअल में इसके टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, 8 के फैक्टर क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। यहाँ से भी देखिए हमारे यही पता चल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर इसके 4 हैं, और यहाँ से भी हम देखिए निकाल रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर 8 के कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, अगर ये वैल्यू हमारी बड़ी हो गई तो हम कैसे निकालेंगे कि हमारे टोटल नंबर, छोटी वैल्यू है जैसे मान लीजिए हमारी 6 है फॉर एग्ज़ाम्पल। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हम 6 है। ठीक है, 6 को क्या लिखेंगे, 2 × 3, है ना, इसको उसके फॉर्म में लिखते हैं हम। ठीक है, ठीक, अब देखिए यहाँ से हमारा क्या टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर निकला। हम टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर को TNF से शो कर रहे हैं, TNF मीन्स टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकला, 2 × 2 डेट इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से 6 का हमारा टोटल, 6 का हमारा क्या, 6 फैक्टर निकला। देखते हैं कौन कौन से है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। यहाँ भी हमारा चीज़ें आसानी से हो जा रही हैं, छोटा वैल्यू है, छोटा टर्म है। एक और एग्जांपल से हम देखते हैं, थोड़ा और बड़ी वैल्यू लेते हैं इससे, है ना, इससे एक बड़ी हम वैल्यू लेते हैं। देखते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं अब 12 ले लीजिए। ठीक है, अब 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 × 6, 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 × 3, 2 का स्क्वायर × 3। ठीक है, सेम जनरल टर्म में उसको हम लिखते हैं, है ना, स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 raised to the power 1, है ना। इसका TNF क्या होगा हमारा, इसका TNF हमारा होगा 3 × 2, इसका 6 फैक्टर निकला। ठीक है, अब देखते हैं 12 का 6 फैक्टर कौन कौन सा है। 12 का 6 फैक्टर हमें पता है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12। इसके अलावा कोई अदर फैक्टर है क्या 12 का, नहीं है। तो देखिए यहाँ से भी हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकले, यहाँ से भी हमारे टोटल नंबर फैक्टर कितने निकले, 1, 2, 3, 4, 5, 6 निकले। ये हमारी आसान तब हो रहा है जब हमारी वैल्यू छोटी है। अगर ये वैल्यू हमारी बड़ी निकली तो हम क्या करेंगे, तो सिंपल हमारा वही प्रोसेस है कि हम उसको नॉर्मल फॉर्म में, उसके प्राइम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, प्राइम स्टैंडर्ड फॉर्म में जितने टर्म होंगे उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, हमको TNF टोटल मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हम ये कर रहे हैं, इसको हम क्वेश्चन समझते हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए इसमें पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 2450। ठीक है, 2450 का हमारा TNF पूछ रहा है, आइए सॉल्व करके देखते हैं इसको। ठीक है, पहले हमारा क्या काम है, सबसे पहला काम है हमारा 2450 को उसके प्राइम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो 2450 हमारा 50×49 का मल्टीपल है। 49 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7×7 लिख सकते हैं, ये खुद प्राइम नंबर में है, फर्दर इसको और मतलब फैक्टर नहीं बनेंगे। और 50 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2×25। ठीक है, 25 को क्या लिख सकते हैं, आइए 5×5, 7×7 ना, उसका जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग 2 raised to the power 1, 5 raised to the power 2 × 7 raised to the power 2। ये हो गया 2450 का प्राइम स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हो गया इसका 2450 का प्राइम स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, है ना। अब हम देखते हैं इसका TNF निकालने का। TNF निकालने का क्या सिंपल कॉन्सेप्ट है, जितनी इसकी पावर वैल्यू है एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 1 है तो 1 का एक बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 2, 5 स्क्वायर है 3, क्योंकि उसको जब हम लोग उसके टर्म में लिखेंगे, जनरल टर्म में लिखेंगे तो 2 की पावर 1 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 raised to the power 1। ठीक,
नेक्स्ट क्या होगा, 5 raised to the power 0 प्लस 5 raised to the power 1 प्लस 5 raised to the power 2। 7 को सिमिलरली लिखेंगे, 7 raised to the power 0 प्लस 7 raised to the power 1 प्लस 7 square, है ना। तो ये क्या हुआ हमारा, दो वैल्यू यहाँ, तीन वैल्यू यहाँ, तीन वैल्यू यहाँ, ठीक है। क्या आया हमारा 18, मतलब 2450 का टोटल 18 फैक्टर है। इसके टोटल कितने फैक्टर हैं, 18 फैक्टर हैं, इससे ज़्यादा इसके फैक्टर नहीं है। तो हम वही यहाँ से पता चल गया कि 2450 के कितने फैक्टर हैं, 18 फैक्टर हैं, ठीक है। फिर से समझिए हम कैसे हायर वैल्यू को निकालेंगे। अभी हम देखिए लोअर वैल्यू को निकाले थे, ठीक है। छोटी वैल्यू है तो हमको आसानी से हमारी हो जा रही है। जैसे मान लीजिए 6 है, 6 को हम लोग प्राइम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे 2 into 3, ठीक है। तो इसका हम TNF के जनरल इसके टर्म में लिखे 2 to the power 0 प्लस 2 raised to the power 1, इसको लिखे 3 raised to the power प्लस 3 raised to the power 1, ठीक है। फिर यहाँ पे हम जब TNF निकालने कैलकुलेट किए, 2 into 2, यहाँ हमको 4, हमको पता चल गया कि 6 के 4 फैक्टर हैं। हमको पता भी है 1 है 2 है 3 है 6, आसानी से हमको पता चल गया इसके टोटल नंबर फैक्टर कितने हैं। बट जब हमारी वैल्यू ज़्यादा जा रही है हायर वैल्यू के लिए, तो वहाँ तो हम ऐसे इतना आसानी से एजम्पशन नहीं कर सकते। 6 छोटी वैल्यू है, सबके जुमा पे है, तो वो आराम से कर ले रहे हैं। लेकिन ये वैल्यू अगर हमारी बढ़ती जा रही है तो हम वहाँ पर एजम्पशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहाँ के लिए हमारा कॉन्सेप्ट यही है। जैसे इस क्वेश्चन में हम देखें कि हमारा 2450 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए बोला, तो हम क्या करेंगे, 2450 को उसके प्राइम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। प्राइम स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग वहाँ इसको लिख लिए, है ना, प्राइम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख लिए। उसके बाद हम देखें नॉर्मल फॉर्म में लिख के इसको हम देखें मल्टीप्लाई करके, तो हमको टोटल नंबर फैक्टर निकल गया। टोटल नंबर फैक्टर मतलब आप सिंपल समझिए, एक सिंपल से लॉजिक से, कि जितना आप पावर है उसका, ठीक है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में जितना पावर है उससे एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए वहाँ 1 है 1 बढ़ा के हम यहाँ पे 2 कर दिए, 2 है एक बढ़ा के यहाँ पर 3 कर दिए, 2 है यहाँ एक बढ़ा के 3 कर दिए, इनका मल्टीप्लाई कर दिए, वो हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर फैक्टर ऑफ 1728, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला हमारा सबसे बड़ा की कॉन्सेप्ट वही है, इसको हमको प्राइम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो हम लिखते हैं 1728 को हम लोग लिखते हैं प्राइम स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। 1728 ये आपका 16 से जाएगा, 16108, है ना, ठीक है। ये हमारा आया। अब हम 16 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 12 into 9, है ना। ये हम देखिए अब आसानी से आप ऐसे कर सकते थे, ठीक है। 1728 को लेके 2, फिर इसको काटिए, 2 8 जाए 16, 1 कैरी गया, 2 6 जाए 12, ठीक है, 2 4 जाए 8, फिर 2 से ऐसे प्रोसेस देखिए थोड़ा लंबा जाएगा। और हमको देखिए कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में, ठीक है, अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है, अपनी कैलकुलेशन को अच्छे रखते हुए हमको अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है। तो हम ऐसे नहीं करके बिल्कुल ऐसे करेंगे कि हम उसको ब्रेक करके करेंगे, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 into 4 16 को सॉरी, ठीक है। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 6, 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 into 3, 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 into 3, 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 into 2, ओके। आगे बढ़ते हैं, 2 की पावर कितनी आई हमारी देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, हमारे यहाँ से वैल्यू क्या निकली 2 की पावर, हमारे यहाँ से निकली 2 की पावर 6, 3 की पावर देखते हैं कितनी आई, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ से हमारी 3 की पावर आई 3, है ना। ये आपका 1728 का प्राइम फैक्टर हो गया, है ना। अब हमारा पहला केस हो गया कि हमको इसका प्राइम फैक्टर निकालना था, तो 1728 का हमारा प्राइम फैक्टर हो गया। अब हम क्या करेंगे, वही TNF निकालने के लिए सिंपल हमको निकालना है TNF, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। यहाँ बात की गई, कन्फ्यूज़ मत होइएगा, यहाँ देखिए बोला गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइज़र। तो डिवाइज़र क्या होता है, फैक्टर ही तो होता है ना। 6 मान लीजिए 12 का 6 क्या है, डिवाइज़र है। 12 का 4 क्या है, डिवाइज़र ही है, फैक्टर ही है। तो डिवाइज़र से कन्फ्यूज मत होगा कि हमको कुछ और निकालना है, ठीक है। सेम टर्म है, डिवाइज़र कहिए या फैक्टर कहिए, है ना। तो यहाँ पे TNF करेंगे, मैंने बताया था जितना उसके पावर उसे एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ 6 है, एक बढ़ाए 7 हो गया, 3 एक बढ़ाए 4 हो गया, ठीक है। ये आएगा TNF इसका कितना आया, 28 आया, ठीक है। ये आया इसका TNF, ठीक है। फिर से आपको समझा दे रहे हैं क्या नंबर ऑफ डिवाइज़र बोले या नंबर ऑफ फैक्टर बोले, तो उस पर कन्फ्यूज़ मत होइएगा। नॉर्मल क्या है, उसको प्राइम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा, इसको 2 to the power 6 into 3 raised to the power 3, ठीक है। प्राइम स्टैंडर्ड फॉर्म में जितना उसका पावर है उससे एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम।
फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 1080 एक्सक्लूडिंग डिवाइजर विच आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही समझ लीजिए ट्रिकी तरह से पूछा गया है ना। पहले मैं एक सिंपल प्रोसेस है, पहला प्रोसेस हम वही करेंगे, प्राइम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 1080 एक्सक्लूडिंग द डिवाइजर विच आर परफेक्ट स्क्वायर। मतलब हमको वो सारे फैक्टर को लेने हैं जिसके जो इसके जिसमें समझ लीजिए आप परफेक्ट स्क्वायर ना बने, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर वो फैक्टर ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसे 12 को देखिए ना, एग्जांपल ले रहे हैं 12 को देखिए, 12 का फैक्टर हम निकाले थे, 12 को क्या था हमारा 2 का स्क्वायर इंटू 3, यही था ना। इसका अगर हम TNF निकाले थे तो क्या था हमारा 3 इंटू 2, ठीक 6 फैक्टर आया था इसमें। अब देखिए 6 फैक्टर्स के 12 के कौन कौन से थे, 6 फैक्टर्स का क्या था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 6 था, 12 था, यही 6 फैक्टर थे ना, बताइए यही 6 फैक्टर थे इसके। अब इसमें देखिए परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 4 है, है ना। तो सेम चीज़ यही इसमें पूछा जा रहा है कि 1080 में ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर को हटा के जितने नंबर ऑफ फैक्टर बचे वो हमें बताइए, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे जैसे अगर हमको पूछता कि फाइंड द नंबर ऑफ डिवीजर ऑफ 12 एक्सक्लूडिंग द डिवीजर विच आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर 12 में पूछता तो 12 में TNF कितना आता हमारा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फिर कितना आता, 4 को हमको एक्सक्लूड करना पड़ता 6-1, है ना। तो यहाँ से हमारा कितना आता, 5 आता 12 के केस में, है ना। अब हमको 1080 का पूछ रहा है तो सेम वही प्रोसेस करेंगे। आइए हम आपको समझाते हैं इसको कैसे करना है, है ना। सबसे पहला काम हमारा क्या है, 1080 को उसके प्राइम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, ठीक है। तो हम लोग 1080 को लिखते हैं उसके प्राइम स्टैंडर्ड फॉर्म में, सेम वही प्रोसेस है, 108 इंटू 10 कर लेते हैं, ठीक है। 108 हमको पता है 12 इंटू 9 होता है, 10 हमको पता है 2 इंटू 5 होता है, है ना। 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 3, ओके। 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, सबको एक साथ लिख लेते हैं। 2 को कितनी पावर आई हमारी, 2 कितनी पावर आई, 1, 2, 3, ठीक है लिख लेते हैं, ठीक है। 2 का पावर 3, 3 की कितनी पावर आई, 1, 2, 3, 5 की कितनी पावर आई, 1, ठीक। ये हमारा आ गया 1080 को नॉर्मल प्राइम स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हमको क्या बोला है कि हमको परफेक्ट स्क्वायर वाले को एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसमें, अगर इसको हम जनरल फॉर्म में लिखें जैसे हम लिखते थे जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्म आपको हम दिखाएं, ठीक है। ये देखिए इसका जनरल फॉर्म है, ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्म है, है ना। जनरल फॉर्म में हम लिखते हैं उसको, फिर आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी से समझ में आएंगी। इसको हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 0, 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 3, ओके, 3 रेज़ टू द पावर 0, 3 रेज़ टू द पावर 1, 3 रेज़ टू द पावर 2, 3 रेज़ टू द पावर 3। सिमिलरली 5 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5 रेज़ टू द पावर 0, 5 रेज़ टू द पावर 1, ठीक है। ये उसके हम उसको जनरल फॉर्म में लिख लिए। अब ये बताइए हमें, किसी को परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए उसका पावर क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए या इवन होना चाहिए, बताइए उसका पावर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो हम सारे इसमें से इवन पावर क्या करेंगे देखते, पहले हम इवन पावर निकालेंगे, इवन पावर हमारे कौन कौन से बन रहे हैं, ठीक है। 2 रेज़ टू द पावर 0 है पहले में, 2 रेज़ टू द पावर 2 है, 2 है, है ना। उसी तरह 3 में 3 रेज़ टू द पावर 0 है, 3 रेज़ टू द पावर 2 है, 5 में क्या है, 5 रेज़ टू द पावर 0। ये हमारे क्या बने, इवन पावर बने, है ना। तो अगर हम टोटल फैक्टर हमको पता चल जाए टोटल फैक्टर हमारे इसमें कितने हैं, उसमें अगर माइनस कर दें जो हमारे इवन पावर आ रही, इवन पावर मतलब क्या, वो हमारे स्क्वायर फैक्टर होंगे, मतलब कि वो हमारे जो होंगे परफेक्ट स्क्वायर वाले फैक्टर होंगे। ये जो फैक्टर निकलेंगे यहाँ से TNF का, ये है हमारे कौन से फैक्टर होंगे, स्क्वायर वाले फैक्टर होंगे। अगर उसमें से इसको हम माइनस कर दें तो हमको पता चल जाएगा ना कितने हमारे फैक्टर हैं जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं, ठीक है। देखते हैं हम इसको आगे बढ़ते हैं, देखिए ठीक है, ठीक है। 80 का 335, ओके ठीक है। इसका हम लोग प्राइम स्टैंडर्ड फॉर्म अभी देखे हैं, है ना।
2^3 इंटू 3^3 इंटू 5^1 है ना। अगर हम यहाँ से टी एन एफ इसका निकालना चाहें, ठीक है, यहाँ से अगर हम इसका टी एन एफ निकालना चाहें तो क्या होगा हमारा, एक पावर बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 4 × 2 कितना आया, 32 आया, ठीक। अब हम यहाँ से क्या बोले, हम निकालते हैं परफेक्ट स्क्वायर का टी एन एफ। परफेक्ट स्क्वायर में जब हम इसको जनरल टर्म में लिखे हम लोग तो क्या हम लिखेंगे, 2^0 2^2 ठीक, ये दो आएगी वैल्यू है ना। सिमिलरली 3 को लिखेंगे 3^0 3^2 5 को क्या लिखेंगे, 5^0 कितने टर्म है यहाँ पे। अगर हम टी एन एफ निकाल रहे हैं, ये टी एन एफ किसका है, ये टी एन एफ हमारा परफेक्ट स्क्वायर का है। ये जो टी एन एफ हम निकाल रहे हैं ये 1000 का वो नंबर ऑफ डिवाइजर बताएगा जो परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो यहाँ से देखते हैं, हाँ 2 × 2 × 1 ठीक है, कितना आया, 4, मतलब 32 में से 4 अगर माइनस कर दें है ना, तो हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हमको मिल जाएगा 28। तो 28 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है किसके, 1080 के, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ओके ठीक है। फिर से हम ये चीज़ आपको समझा देते हैं, ओके फिर से बोलो, जैसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ डिवीजर ऑफ 1080 है ना, एक्सक्लूडिंग द डिवीजर विच आर अ परफेक्ट स्क्वायर, हमको उस जितने भी इसके अंदर जितने भी परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर आएंगे उनको हटा के हमको उसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर निकालना है। तो पहला हम स्टेप क्या किए, सबसे पहला हम किए इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिए, पहला हमारा काम हो गया यहाँ पे प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिए, ठीक है सॉरी ठीक है। आगे क्या किए हम उसको प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद यहाँ से उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दिए, उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, ठीक है, हमको कोई ये प्रोसेस हमको नहीं पता कि उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो उसका कोई हमको जनरल फॉर्मूला नहीं पता। हमको ये पता है कि उसका अगर हम जो उसके परफेक्ट स्क्वायर है उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लें और टोटल में से अगर उसको माइनस कर दें तो हमको पता चल जाएगा वो डिवाइजर, वो नंबर ऑफ डिवाइजर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और 1080 का फैक्टर भी है, ठीक है। तो हम क्या किए, क्योंकि हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमको पावर क्या होगा, हमेशा इवन होना चाहिए, पावर इवन होगा तभी वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो हम यहाँ से वो टर्म लिए उसके जनरल फॉर्म से जो हमारा इवन पावर निकला, ठीक है, वहाँ से फिर हम उसको मल्टीप्लाई किए तो यहाँ से हमको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या निकला, 4 निकला। यहाँ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हुआ, ये टोटल नंबर फैक्टर 4 मतलब कि 1080 में 4 ऐसे फैक्टर हैं, 1080 के 4 ऐसे फैक्टर जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से इस 4 को माइनस कर दिया तो हमको वो नंबर ऑफ फैक्टर पता करें जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, यही काम हमने किया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में मिल जाएंगे अगर ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन बना तो, ठीक है। अब देखिए सेम ये क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 544 विच आर ग्रेटर देन 3। अब हमको 544 का नंबर ऑफ डिवाइजर बताना जो कि 3 से बड़ा हो, ठीक है, देखते हैं हम। आइए पहला सबसे पहला काम वही है हमारा, 544 को हम लोग क्या करेंगे इसके प्राइम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा दोस्तों, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, ओके। तो 17 ठीक है, देखते हैं ये होगा 17 से जाएगा, 17 × 3 = 32 हाँ ठीक है। अब 32 हमको पता है 2^5 होता है, 2^5 × 17 ठीक है, ये हो गया इसका प्राइम स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिए है ना। अब हम देखते हैं इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, वही चीज़ मैं लॉजिक बताया हूँ, ठीक है, जितना पावर है उससे एक बढ़ा लीजिए, ठीक है, यहाँ पावर 1 है, एक बढ़ा लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा, 6 × 2 इसके कितने नंबर ऑफ टोटल नंबर फैक्टर निकले, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 12 निकले है ना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 12 निकले। लेकिन हमको पूछा है कि नंबर ऑफ डिवीजर 54 विच आर ग्रेटर देन 3, मतलब हमको 3 से बड़ा चाहिए, तो इसके दो फैक्टर, टोटल नंबर फैक्टर 12 निकले, इसके दो फैक्टर 3 से छोटे कौन कौन से होंगे, 1 से डिविजिबल है ही 544, 2 से भी डिविजिबल है क्योंकि एक इवन नंबर है, तो दो फैक्टर इसके जो 3 से बिलो होंगे लिख लेते हैं, यहाँ टू फैक्टर डेट आर बिलो बाई 3 कौन कौन से हैं, वो 1 है और 2 है, दो फैक्टर मिले। तो हमको पूछा क्या है,
वो फैक्टर पूछा है जो ग्रेटर देन 3 हो, ठीक है। टोटल नंबर फैक्टर हमारे 12 निकले और बिलो 3 के जितने निकले 2 निकले, ठीक है। टोटल 12 है और बिलो 3 2 है, तो 3 से बड़े हमारे कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकले? 10 फैक्टर निकले, ठीक है। सॉरी, फिर से आप देख लीजिए, हमको क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ डिविजर ऑफ 544 विच आर ग्रेटर देन 3, 3 से जो बड़े हों, ठीक है। उन फैक्टर को हमको पता करना है, उन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को हमको बारे में पता करना है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर के बारे में हमको पता करना है। 544 को हम सिंपल, पहला प्रोसेस हमारा प्राइम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिए, प्राइम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालनी है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालनी है तो ये हमारा क्या निकले? टोटल फैक्टर निकले, मतलब 1 से लेके उसके जितने फैक्टर होंगे सारे निकले। बस हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वो फैक्टर हमको निकालने हैं जो 3 से हमारे छोटे ना हो, ठीक है। 3 से बड़े वाले हमारे सारे फैक्टर निकालने हैं, 3 से हमारे छोटे इसके दो फैक्टर होंगे 1 और 2। विजुलाइज करिए, 1 उसका फैक्टर होगा ही होगा क्योंकि कोई भी नंबर उसका 1 फैक्टर होता ही होता है। 2 से चेक करेंगे क्योंकि ये इवन नंबर है, 2 भी इसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो 2 हमको फैक्टर निकले जो 3 से छोटे हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमको 12 निकले, 2 फैक्टर हमारे जो 3 से छोटे हैं हमको पता चल गया। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमको जो क्वेश्चन पूछा गया क्या है? 12 - 2 डेट इज़ वैल्यू 10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ तक क्लियर है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, है ना। हम सम ऑफ फैक्टर के बारे में देखते हैं। सम ऑफ फैक्टर मतलब क्या? उसके जितने भी सारे फैक्टर है ना उनका हमको सम चाहिए, उन सारी वैल्यू का हमको चाहिए। मतलब जैसे 6 का हमारा फैक्टर क्या था? 1 था, 2 था, 3 था, 6 था, तो इन सारे का सम चाहिए। ये हमारा कॉन्सेप्ट है सम ऑफ फैक्टर। इसको एग्जांपल समझते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मानिए हमारा वैल्यू 6 ही लीजिए, 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 × 3, इसका अगर हम TNF निकालेंगे, एक पावर बढ़ा के मल्टीप्लाई, 2 × 2 4 आ रहा है हमारा यहाँ से TNF। 4 का मतलब 6 के 4 फैक्टर हैं, कौन कौन से फैक्टर हम देखते हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। सम ऑफ फैक्टर निकालना है ना। सम ऑफ फैक्टर निकालने इसका मतलब क्या है हमको? 1 + 2 + 3 + 6 दैट इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा? 12 आ रहा है, जिसके सम ऑफ फैक्टर कितने निकले? 12 निकले, ठीक है। लेकिन हमारी अगर वैल्यू ये हाई होगी, अब ये हमारे 6 है तो हमको विजुलाइज हो रहा है इसके कौन कौन से फैक्टर हैं, हम उसका सम कर सकते हैं। पर एग्जाम में हमारा उतना टाइम लगा कि हम उतना कैलकुलेट करने बैठे हैं, ठीक है। तो उसका हम देखते हैं क्या तरीका है। इसका हम नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो 6 को नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं 2⁻⁰ + 2⁻⁰1, ओके। 3 को लिख सकते हैं 3⁻⁰⁰ + 3⁻⁰1। 2⁻⁰⁰ की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 2⁻⁰⁰ की वैल्यू 2 होती है। सिमिलरली 3⁻⁰⁰ की वैल्यू क्या होती है? 3 होती है, सॉरी 1 होती है, और 3⁻⁰⁰ की वैल्यू 3 होती है। देखते हैं 3 × 4 क्या निकला यहाँ से? 12। तो इस कॉन्सेप्ट से हमारा देखिए क्या निकला? 12 ही निकला सम ऑफ फैक्टर। और यहाँ से भी हमारा क्या निकला सम ऑफ फैक्टर? 12 ही निकला, ठीक है। ये चीज़ें हैं, छोटी वैल्यू रहेगी तो हम सॉर्ट आउट करेंगे, बड़ी वैल्यू के लिए हमको कॉन्सेप्ट अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा सम ऑफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट है। फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूं, सम ऑफ फैक्टर है क्या? सम ऑफ फैक्टर वो सारी फैक्टर की एडिशनल वैल्यू है, उन सारे फैक्टर का हमारा सम है, एडिशन है, ठीक है। जितने भी उस पर्टिकुलर वैल्यू के जितने भी फैक्टर आएंगे उनका सम बताता है ये सम ऑफ फैक्टर, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हम 6 से लिए, 6 हमारा इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखे, प्राइम स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 × 3, ठीक है। इसका TNF निकालें, 4 हम फॉर एग्जांपल बता रहे हैं आपको, तो हमको पता है 6 से कौन कौन से फैक्टर है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, इन सबको ऐड किए 12 है। बट ये वैल्यू हमारी तब तक ठीक है जब तक हमको वैल्यू पता है, वो छोटी वैल्यू के लिए। बट हायर वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट अपनाएंगे अपना, उसको नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे 2⁻⁰, इन सबको वैल्यूज़ लिखेंगे और उन सबको सॉर्ट आउट करेंगे, जो उसकी वैल्यू आएगी वो हमारा क्या बताएगा? सम ऑफ फैक्टर, ठीक है। इसको हम क्वेश्चन समझते हैं, आगे देखते हैं। अब जैसे ये बोला गया है फाइंड द सम ऑफ फैक्टर ऑफ 2450। सबसे पहला प्रोसेस हमारा वही है, इसको प्राइम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, ठीक है। लिखते हैं 2450 को हम लोग लिखते हैं प्राइम स्टैंडर्ड फॉर्म में। हम सॉर्ट आउट किए थे 50 × 49 आया था, है ना। 50 को लिख सकते हैं हम लोग तो 10 × 5, ओके। 49 को लिख सकते हैं 7 × 7, है ना। 10 × 5 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5, ओके। क्या निकला? 2⁻⁰, 5² 7² यही निकला, ओके। फिर हमारा कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट हमारा ये कह रहा था इसको हम जनरल फॉर्म में लिखें। आइए जनरल फॉर्म में इसको लिखते हैं, लिखते हैं 1, ओके। 5⁻⁰ + 5⁻⁰1 5⁻⁰2, ओके। 7 को लिखते हैं 7⁻⁰ 7⁻⁰1 + 7⁻⁰2, ठीक है।
टू रेस्ट पावर जीरो को हम लोग क्या लिखेंगे, वन, टू रेस्ट पावर को टू, ओके, फाइव रेस्ट पावर को जीरो को, सॉरी वन लिखेंगे, फाइव रेस्ट पावर वन फाइव होता है, फाइव का स्क्वायर क्या होता है हमारा 25 होता है दोस्तों, ठीक है। सिमिलरली सेवन को हम क्या लिखेंगे, सेवन रेस्ट पावर जीरो, वन, सेवन पावर वन, सेवन, सेवन स्क्वायर 49 है ना, मल्टीप्लाई करके देखते हैं ये कितना हुआ हमारा 3, ये कितना हुआ हमारा 31, वो कितना हुआ 57, ओके, ये आई हमारी इसकी वैल्यू। बस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो वैल्यू आई हमारी वो हमारी क्या होगी, सम ऑफ फैक्टर ऑफ दिस नंबर होगी, ठीक है। तो ये आएगा हमारा 93 × 57 है ना, ये वैल्यू सॉल्व होने पर क्या आ रही है हमारी 93 और 57, अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 5301, ठीक है। तो ये आएगा इसका हमारा सम ऑफ फैक्टर, ये हमारी वैल्यू जो आई है ये आएगी हमारी सम ऑफ फैक्टर ऑफ 2450 का, ठीक है। फिर से आपको इसको हम समझा देते हैं, पहले उसका हम लोग प्राइम फॉर्म में, प्राइम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिए, फिर उसको हम लोग जनरल फॉर्म में लिख लिए, यहाँ पे जैसे जनरल फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। फिर उन सब की वैल्यूज को पुट करके उसको मल्टीप्लाई करके देखें तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी हमारी क्या आएगी, सम ऑफ फैक्टर आएगी उस पर्टिकुलर वैल्यू की, ठीक है। आगे हम निकालते हैं सम ऑफ फैक्टर वैल्यू का, ठीक है। पहला हमारा वही प्रोसेस है, उसको हम लोग क्या करेंगे, प्राइम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 196 × 100 है ना, इसको लिख सकते हैं 2 × 98 100, लिख सकते हैं हम लोग 10 × 10 लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 98 को लिख सकते हैं 49 × 2 है ना, 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, ओके है ना, लिखते हैं इसका प्राइम स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगा, 2 × 1, 2, 3, 4 टू रेस्ट टू द पावर 4 × 2, ठीक है। हाँ, 5 के कितने पावर निकले, 2 निकले, 5 रेस्ट टू पावर 2, 7 के कितने निकले, 2 पावर निकले, ये हमारा इसका क्या आ गया, प्राइम स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, ठीक है, प्राइम स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। वही है, सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं, जनरल फॉर्म में लिखते हैं क्या आएगा हमारा, 2 रेस्ट टू पावर 0 प्लस 2 रेस्ट टू पावर 1, 2 रेस्ट टू पावर 2, 2 रेस्ट टू पावर 3, 2 रेस्ट टू पावर 4 है ना। 5 को लिखते हैं 5 रेस्ट टू पावर 0, 5 रेस्ट टू पावर 1, 5 रेस्ट टू पावर 2। सिमिलरली 7 को लिखते हैं 7 रेस्ट टू पावर 0, 7 रेस्ट टू पावर 1, 7 रेस्ट टू पावर 2। सॉल्व करते हैं इसको, 2 रेस्ट टू पावर वैल्यू 1, 2 रेस्ट टू पावर 1 की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 का पावर 4 16, ठीक है। सिमिलरली 5 का पावर 0, ठीक है, 5 के पावर 0 1, 5 पावर 1 5, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 7 के पावर 1 पावर 7 और ये हो जाएगा 49, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं हमारी क्या वैल्यू आ रही है, 8 × 4 12 12 × 14 14 16 30 30 × 31, यहाँ से आ रही है 31 × यहाँ कह रही 25 35, 31 × 50 और ये आ जाएगा 57 है ना। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 31 × 51 × 57 ये हमारी आएगी 54,777, ये वैल्यू हमारी आ रही है, ठीक है। ये वैल्यू हमारी आ रही है इसकी सम ऑफ फैक्टर, कौन सी क्वेश्चन पूछा गया सम ऑफ फैक्टर कौन सी आ रही है, हमारा ऑप्शन ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, ठीक है। फिर है सम एंड नंबर ऑफ इवन एंड ऑड फैक्टर ऑफ अ नंबर, इसका कॉन्सेप्ट देखिए बहुत ही बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या हमारा कहना है, आप बताइए हमारा इवन फैक्टर कब बनेगा, इवन फैक्टर हमारा कब बनेगा, कोई भी प्राइम स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप लिखते हैं, हमारा केवल इवन एक ही प्राइम फैक्टर नंबर है वो है 2, 2 का अगर मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तभी इवन बनेगा, 2 का मल्टीप्लाई अगर 5 से करेंगे 7 से करेंगे, क्योंकि और सारे जितने भी हमारे प्राइम फैक्टर हैं प्राइम नंबर हैं वो क्या हैं हमारे ऑड है, इवन केवल एक ही है वो है 2, मतलब अगर 2 का एक भी मल्टीप्लाई अगर किसी वैल्यू में हुआ तो हमारे फैक्टर कौन से बनेंगे,
इवेंट फैक्टर बनेंगे, तो हमको क्या करना है, उस इवेंट फैक्टर को हटा देना है। अगर वो इवेंट फैक्टर हटा दिए तो हमारे कितने जो बचेंगे वो कौन से फैक्टर होंगे, ऑड फैक्टर होंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमको पता ही है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से अगर हम ऑड फैक्टर हटा दें तो हमको पता चलेगा हमारे इवेंट फैक्टर अब कितने होंगे। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है इसमें, है ना। हमारे टोटल नंबर ऑफ इवेंट फैक्टर ऑड फैक्टर है, उसको करते हैं। हाँ देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट है वही पहले बता दे रहे हैं आपको हम। जैसे मान लीजिए कोई एक वैल्यू है ना, मान लीजिए कोई एक वैल्यू क्यू है जिसको हम लोग लिख सकते हैं। सपोज करिए आप 2^0, 2^1, 2^2, 2^3 ऐसा चलता जा रहा है ना। 3 power something है, 3^0, 3^1 ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, तो हमको क्या, अगर हमको अगर ऑड फैक्टर देखना है, ऑड फैक्टर देखना है तो जितने भी पावर हैं 2 के, है ना, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, नेगलेक्ट करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग बस करना पड़ेगा। 2^0 को ही हम इंक्लूड करेंगे, है ना, 2^0 को ही 0 में, बाकी 3 के जितने आएंगे उनको ऐड ले लेंगे, 5 के जितने आएंगे उनको ले लेंगे, 7 के जितने आएंगे उनको ले लेंगे। केवल हमको ध्यान में रखना है ऑड फैक्टर में क्या करना है, हमको 2^0 लेना है, बाकी सबको हमको नेगलेक्ट करना है, बाकी सबको हमको नहीं लेना है। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चन से करते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। फाइंड द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ 7200, देखते हैं, है ना। पहला काम वही है हमारा, इसको प्राइम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, है ना। उसको हम लोग लिख सकते हैं 72 × 100, 72 को हम लोग लिख सकते हैं 12 × 6, 100 को लिख सकते हैं हम लोग 10 × 10। ठीक है, 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 × 3, 12 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 × 5। ओके, हमारा आ गया प्राइम स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना। 2 की कितनी पावर है, 1, 2, 3, 4, 5, 2^5। 3 की कितनी पावर है, 1, 2, 2 पावर है। 5 की कितनी पावर है, 2 पावर है। लेते हैं इसको प्राइम जनरल फॉर्म में, हम लोग लिखते हैं इसको। ठीक है, जनरल फॉर्म लिखते हैं 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5। ठीक है, सिमिलरली 3 को लिखते हैं 3^0, 3^1, 3^2। 5 को लिखते हैं 5^0 प्लस 5^1 प्लस 5^2, है ना। अब देखिए, हमको क्वेश्चन में पूछा गया रहा है कि हमको नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है। ऑड फैक्टर का वही हम जो कॉन्सेप्ट आपको अभी जस्ट बताए हैं, क्या करना है हमको 2^0 को लेना है, बाकी सारी वैल्यू को हमको नेगलेक्ट कर देना है 2 के पावर वाली, बाकी 3 वाली होगी, 5 वाली होगी, 7 वाली, 11 वाली, कोई भी अदर प्राइम फैक्टर नंबर वाली होगी, उसको हमको लेना है। बस 2 के क्या होगा, सारे पावर को नेगलेक्ट करना है, केवल 2^0 को हमको इंक्लूड करना है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अब हम ऑड फैक्टर देख रहे हैं ना, 2 के पावर को ले लीजिए, है ना, बाकी सब को नेगलेक्ट कर दीजिए, 3^0, 3^1 प्लस 3^2, 5^0 प्लस 5^1 प्लस 5^2। ठीक है, अब हमको ऑड फैक्टर निकालना है, सम नहीं निकालना है, हमको ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। तो यहाँ से क्या होगा, 1, 3 × 3 क्या आया हमारा, 9। 9 हमारा क्या होगा, इसका ऑड नंबर ऑफ फैक्टर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, यही पे हमसे मान लीजिए पूछ दिया होता कि सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए, तो हम क्या करते हैं, यही पे मान लीजिए हमको पूछ दिया होता कि अगर हमको सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, इसी का क्या आया था हमारा, 2^5 इंटू क्या था, 3^2, 3^2 इंटू 5^2, यही था ना। अगर हम इसको जनरल फॉर्म में हम लोग क्या लिखे थे, 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4 प्लस 2^5, है ना। सिमिलरली 3 को क्या लिखते हैं, 3^0, 3^1, 3^2, 5 को लिख सकते हैं 5^0 प्लस 5^1 प्लस 5^2, है ना। हमको जब ऑड फैक्टर के लिए था, ऑड फैक्टर के लिए था हमारा कंडीशन, तो हम क्या लेते थे, 2^0 को 0 लेते, इंक्लूड करते थे, बाकी सबको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। 2^0 को ले लीजिए, बाकी सब लोग नेगलेक्ट कर दिए। अब आएगा 3^0 प्लस 3^1 प्लस 3^2। सिमिलरली 5 में आएगा 5^0, 5^1, 5^2। TNF हम इसका निकालें अभी जस्ट, TNF हमारा क्या आएगा, 1 × 3 × 3, ये हमारा आएगा 9। बट ये हमारा टोटल नंबर फैक्टर निकला। अगर ये बोलता तो हमारा सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालने के लिए तो क्या करते हैं, सम निकालने के लिए इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं, उनकी वैल्यू। जैसे 2^0 क्या होगा, 1 होगा। 3^5 की वैल्यू क्या होगी हमारी, 1 होगी, है ना, 1 प्लस
3 प्लस 3 का स्क्वायर 9 है ना, 5 रेस्ट पावर 1 प्लस 5 प्लस 25, ओके ये वैल्यू हमारी क्या आएगी 1 × 13 × 31। इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी हमारी वो क्या होगी, इसकी सम की वैल्यू होगी, ठीक है, सम ऑफ ऑड फैक्टर है ना। यही सम से हमारे ये पूछ दिया होता कि हमको बताइए टोटल नंबर ऑफ इसके इवन फैक्टर कितने निकलते हैं, ठीक है, इसके हमारे इवन फैक्टर कितने निकलते हैं, तो इवन फैक्टर में क्या होगा हमारा सम उसी का उल्टा, जैसे उसको उसमें हम इंक्लूड क्या कर रहे थे, 2 की पावर 0 इंक्लूड कर रहे थे, इसमें क्या होगा 2 की पावर को हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे, बाकी सबको इंक्लूड कर देंगे। या सिंपल है, ऑड फैक्टर हम निकाल लिए, टोटल फैक्टर हमको अगर इसका निकालना हो, टोटल फैक्टर हम यहाँ से निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर देखिएगा, ठीक है हम हाँ इसको इरेज कर दे रहे हैं, है ना, यहाँ देखिए अभी हम ऑड फैक्टर निकालें, ऑड फैक्टर हमारा निकला 9, अगर हम टोटल फैक्टर निकालें, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है ना, तो क्या होगा यहाँ से 6 × 3 × 3, क्या यही होगा, बताइए इसका जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होगा वो क्या होगा, यही होगा, यहाँ से हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या निकले 54। अब बताइए टोटल नंबर फैक्टर किसका बना होगा, इवन और ऑड का ही तो बना होगा, जो उसके टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर होंगे प्लस जो उसके टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर हो, उनका एडिशन ही तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होगा। हम यहाँ से निकालें कि हमारा ऑड फैक्टर 9 है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं इवन फैक्टर कितना होगा, इवन फैक्टर अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा 54 - 9 डैट कम्स टू 45, ठीक है, तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकले, ये कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द सम ऑफ इवन डिवीजर ऑफ 4096। अब हमको देखिए इवन डिवीजर इसका निकालना है 4096 का, ठीक है, तो हम देखते हैं इवन डिवीजर हमारे क्या आएंगे, सम ऑफ इवन डिवीजर, पहला कंडीशन हमारा वही है, प्राइम फैक्टर में लिखते हैं 4096 को, तो ये वैल्यू अगर 2 से डिविजिबल होगी तो 4096 हमको लगता है कि ये आपका जाएगा स्क्वायर जाएगा 1004, ओके ये 2 रेस्ट पावर अगर आप देखेंगे ना, ये 2 रेस्ट पावर 12 है ना, देखेंगे आप इसको 2 रेस्ट पावर ये 12 है ना। अब हम वही है इसका जनरल फॉर्म लिखते हैं, ठीक है, जनरल फॉर्म वही होगा 2 रेस्ट पावर 1 प्लस 2 रेस्ट पावर 2 प्लस 2 रेस्ट पावर 3 प्लस 2 रेस्ट पावर 4 2 रेस्ट पावर 5 2 रेस्ट पावर 6 2 रेस्ट पावर 7 2 रेस्ट पावर 8 प्लस 2 रेस्ट पावर 9 प्लस 2 रेस्ट पावर 10 प्लस 2 रेस्ट पावर 11 प्लस 2 रेस्ट पावर 12। ये देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इवन डिविजर के लिए हम क्या था, ऑड के लिए हम क्या था, 2 की पावर 0 को हम लोग रखते थे, बाकी सबको एक्सक्लूड कर देते थे, हटा देते थे। इसमें क्या होगा, इवन के लिए 2 की पावर 0 को हम लोग हटा देंगे, बाकी सबको हम लोग इंक्लूड करेंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, जो वैल्यू हमारी आएगी वो इस पे आएगी, कितनी हमारी पूरी वैल्यू बस इतने पे आएगी, ठीक है। इस वैल्यू को हम ऐड करते हैं, 2 रेस्ट पावर 1 हमारा कितना होता है 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 रेस्ट पावर 4 16 होता है, 2 रेस्ट पावर 5 32 होता है, 2 रेस्ट पावर 6 64 होता है, फिर 2 रेस्ट पावर 1 28 होता है, ठीक है 128, फिर आएगा तुम्हारा आपका 2 रेस्ट पावर 8 होगा 256, ठीक है 2 रेस्ट पावर 8 आ जाएगा आपका 256, 2 रेस्ट पावर 7 आएगा 2 रेस्ट पावर 9 आएगा आपका 256, 512 हो गया, 2 रेस्ट पावर 10 2 रेस्ट पावर 10 आपका 1024 पता है ना, फिर वो होगा 2048, इसका डबल यही वैल्यू हो गया 4096 है ना। सिंपल क्या करना है हमको, इन सबको ऐड करना है, इन सबको ऐड कर लीजिए, ओके चलिए ऐड करते हैं, तो हमारी देखते हैं क्या वैल्यू आती है, 4096 प्लस 2048 प्लस 1024 प्लस 512 प्लस 256 प्लस 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2। ये हमारी वैल्यू आ रही है हमारी 8190 है ना, ऑप्शन बी, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है इवेंट डिवाइजर का, ओके तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, तब के लिए गुड लक, बाय।